प्राइम नंबर होता है कि एक और नंबर के, एक जैसे किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक दो चीजें चेक करेंगे, एक और नंबर। तो जैसे अगर आप मान के चलो 15 को चेक करना है, 15 प्राइम है कि नहीं, तो 15 के लिए आप क्या चेक करो, तो 15 को चेक करने के लिए एक और 15 के अलावा कोई नंबर ऐसा है क्या जिससे 15 में भाग जाता हो? एक और 15 के अलावा कोई नंबर ऐसा है क्या जिससे 15 में भाग जाता हो? हाँ बिल्कुल है। कौन कौन जाता है, किस किस का जाता है? 3 और 5। 3 और 5 का भाग जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इससे आप क्या, इससे क्या मतलब निकाला हमने, इससे मतलब ये निकाला 15 इज नॉट प्राइम, 15 प्राइम नहीं है। हमें 11 को चेक करना है, तो 11 को चेक करने के लिए, 11 को चेक करने के लिए एक और 11 के, एक और 11 के अलावा एक और 11 के अलावा किसी और नंबर से 11 में भाग जाता है क्या? तो किसी से नहीं जाता है ना, जब कोई नहीं है तो क्या बोल दोगे आप, 11 इज अ प्राइम नंबर। तो अगर कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है ये निकालना सभी को आता है क्या? ये किसको नहीं आता वो हाथ खड़ा कर दो, जिसको नहीं आता है तो वो उसमें नहीं बनेगा प्रोग्राम में। जिसको यही नहीं पता है कि ये, जिसको चीज समझ नहीं आई है तो उस पर प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो अगर आपको ये वाली दोनों चीजें समझ नहीं आई है तो हैंड रेस करो। देवांश को नहीं आई क्या? देवांश ने तो प्रोग्राम बनाया है। चलो बाकी सबको, सभी को आ गई ये चीज समझ में कि प्राइम क्या होता है। तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए हमको 3, 3 तक तो हमने शायद बना लिया था लास्ट क्लास में, पैलिंड्रोम का था ये, थर्ड तो लास्ट का, फोर्थ ही रह गया था। हाँ थर्ड का 2 कौन सा लिखा रखा है, ये पुराना रखा है, इसको डिलीट कर पुराना देते है। हैं। अच्छा अच्छा एंटर द नंबर, यहाँ पे हम बोलेंगे एंटर द नंबर। सामने वाला नंबर देगा उसको हम किस में सेव करेंगे, एन में सेव कर लेंगे। अब क्या करेंगे, तो कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है कैसे पता चलता है? 2 से लेकर n-1 तक, i जब तक छोटा है बराबर है n-1 तक, क्या करेंगे हम उसको चेक करेंगे भाग देके। सबसे पहले आई के देख लो क्या, यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप किया करो, ये देख लो कि क्या वैल्यूज के लिए आई चल रहा है। प्रिंट एफ, ये हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, मान के चलो हमने डाला 15, तो 2 से लेके देखो 14 तक चल रहा है ये आई की वैल्यू। मान के चलो हमने डाला है
10, तो 2 से लेके 9 तक चल रहा है, आई का लूप सही जा रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि जब हम इस आई को भाग देते हैं, हम लिखेंगे इफ एन रिमाइंडर आई इक्वल इक्वल टू 0, अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ नॉट अ प्राइम नंबर, क्या प्रिंट कर देंगे नॉट अ प्राइम नंबर, सर प्राइम नंबर आएगा ना, नहीं भाग चला गया तो प्राइम नहीं है, ये कब ट्रू होगा? हाँ सर, जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल कर दें तो लिख सकते ना प्राइम नंबर, वैसे नहीं नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, नहीं सर मैं ये बोल रहा नहीं, जैसे हाँ। आपने करा एन मॉड्यूलस आई इक्वल इक्वल 0, जैसे कर दें एन मॉड्यूलस आई नॉट इक्वल टू 0 तो प्राइम नंबर होगा, वैसे नहीं नहीं होगा, वैसे क्यों होगा, वैसे इसका लिखने का आप अर्थ समझ रहे हो क्या है? हाँ वो तो मुझे समझ आ गई बात, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक भर आइडिया क्या समझ में आई, नहीं इस मैं पूछ रहा हूँ इसका लिखने का अर्थ आपको समझ आ रहा है क्या है? आप कह रहे हो ऐसा लिख दें तो हम इसको प्राइम नंबर लिख बोल देंगे, यही कह रहे हो ना कि कुछ और कह रहे हो? हाँ जी, ये कहने से बेटा ये बताओ कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई चीज 50 बार ये लूप चल रहा है तो 50 में से कई बार ये नंबर ये चीज प्रिंट होगी, ऐसे मान के चलो मैं चलाता हूँ 20 के लिए तो इतनी बार प्रिंट हो गया प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, 20 प्राइम नंबर है क्या? नहीं मैंने डाला 100 तो प्राइम है नहीं, ये देखो प्राइम नंबर जो लाइन लग गई प्राइम नंबर की, तो मैं पूछ रहा देख सोच रहा था वो उसमें एक बार उन्होंने खुद कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए ताज्जुब कर रहा हूँ तुमने कर लिया प्रोग्राम उसके बाद पूछ रहा हूँ मैं, नहीं सर कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने में मजा आती है ऐसे में एक्सपेरिमेंट, देखो ऐसे मेरे से फालतू बातें मत किया करो यार, मुझे पता नहीं बहुत बुरा लगता है ऐसी अजीब बातें सुन के, तुम यार कुछ भी चीज को तुम कंसेप्ट बना लेते हो कि हम ऐसे करेंगे तो हम बहुत अच्छे निकल जाएंगे, कोई चीज को एक्सपेरिमेंट कर करके नहीं देखना है तुमको, तुमको देखना है मैथमेटिकली और लिख के देना है कि यही चलाओ यही चलेगा सर प्रोग्राम सही, तुमको कंप्यूटर का बिहेवियर पता है, कंप्यूटर का बिहेवियर पता है ना कैसे इफ कैसे चलता है एल्स कैसे चलता है लूप कैसे चलता है, ये चीज अपन को समझ में आती है। अब यहाँ कोई चीज चेंज करने से आपको ये बताना चाहिए कि ये कैसे बिहेव करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो yes, अगर यहाँ पे हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो कैसे बिहेव करेगा? प्राइम निकालना हमको आता है कॉपी पेन पे, लेकिन अब हमको कंप्यूटर से कराना है वो काम, कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो करने लग जाए। और प्रोग्राम्स जो है एक्सपेरिमेंट कर करके देखने से नहीं बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं आप लॉजिक बनाओगे कॉपी पे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे जो अभी तक करते आ रहे हो, है ना? तो अब आप यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू कर रहे हो तो ये चीज सर से नहीं कहना है कि सर चला के देखो, ये चीज आपको कॉपी पे खुद करके देखना है। अब आपने कहा कि इस तो करने से प्राइम हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं होगा, इसका ये रीजन है, तो ये चीज आप खुद अब कैपेबल हो गए हो कि इसको आप सोचो इस तरह से, अगर कर लिया है तो ये सब सवाल नहीं आने चाहिए थे, मैं ये कह रहा हूं। यहाँ लॉजिक सही लिखा है,
ये कैसे किया प्रोग्राम? सर करा था वो तो बस एक्सपेरिमेंट करने में मजा, कभी कभी देखने का इच्छा होती है मतलब ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो ये बताओ इक्वल जीरो होगा तो कुणाल का कहना है कि अगर 131 को हम चेक कर रहे हैं, है ना, सुनना सभी लोग सुनना ध्यान से, अगर हमको चेक करना है कि 131 प्राइम है कि नहीं है तो कैसे करेंगे कुणाल, किससे चेक करेंगे? जैसे सर आपने 2 दिया था वो आई बराबर 2 जो था आई बराबर 2 लेंगे फिर क्या करेंगे तो उसके बाद एन माइनस वन करते जा रहे तो बस जैसे ही एन अपन ने दिया 131 तो बस ऐसे घटती जाएगी वैल्यू, डिवाइड दिखता जाएगा इक्वल अभी 2 के साथ क्या करेंगे, पहले 2 के साथ बताओ क्या करेंगे। 2 के साथ सर जैसे 2 के साथ 2 से सीधा लूप चलता जाएगा ना सर। लूप छोड़ो, तुमको 131 चेक करना है प्राइम है कि नहीं है, कॉपी पे कर रहे हो तो तुम क्या कैसे करोगे? कॉपी पे सर करेंगे तो डिवाइड ट्राई करते हैं सर, अब मैंने कभी ऐसे प्रीवियस करा नहीं ना इसलिए बस पता है कि ये वाले डिवाइड ना डिवाइड ट्राई। हां हां डिवाइड ट्राई करेंगे है ना, तो क्या करोगे डिवाइड में कैसे करोगे बताओ, 2 से कैसे चेक करोगे? 2 से सर चेक नहीं होगा, वो सभी मतलब नंबर जैसे सभी से ट्राई करेंगे, 1 से 10 तक का रहता है रूल की 1 का रहता 2 का रहता 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट में, और जैसे 3 का रहता सम से जैसे सम करेंगे फिर डिवाइड। ठीक है ठीक है, 131 का हम चेक करेंगे 2 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, फिर हम 3 से करेंगे 131 से भाग जा रहा कि नहीं, ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर ऐसे ही करेंगे। तो 2 से भाग गया कि नहीं गया, हाँ या ना में बोलो? नहीं, 2 से भाग नहीं गया है ना, डिवाइड नहीं हो पाया ये, तो क्या बोल दोगे यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे नॉट डिविजिबल Not prime number. यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे अभी वैसे not divisible लिख देंगे, फिर जब पूरी condition check हो जाएंगे तब लिखेंगे not a prime number. Prime number. फिर तुम तो फिर तुम यहाँ पे क्यों कह रहे हो? जब 2 से भाग देने पे तुम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो, अभी तुम्हें 3 से देना है, फिर 4 से देना है, फिर 5 से देना है ना? ऐसा करते करते 130 तक जाना है, तब तुम कुछ बोल पाओगे कि प्राइम है कि नहीं है, तो तुम यहीं से क्यों बोल रहे हो? लूप में प्रिंट लिखने का क्या मतलब है? तुम कह रहे हो यहाँ नॉट आ जाए तो हम यहाँ प्राइम लिख देंगे, या यहाँ नॉट आ जाए तो हम प्राइम लिख देंगे, तो लूप में प्राइम लिखने का क्या मतलब है? कि आपको बीच में ही पता चल गया कि वो प्राइम है कि नहीं है, बाकी फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कुणाल? यस सर। तो अगर तुमने ये प्रोग्राम खुद से किया है, क्योंकि तुमने इस प्रोग्राम में लूप के अंदर प्रिंट नहीं लिखा है, ये तुम्हारा लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ और तुम्हारा लूप यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, तुमने यहाँ लूप के अंदर प्रिंट नहीं लिखा, और अभी तुम कह रहे हो कि लूप के अंदर ऐसा लिखने से क्या होगा, तो वो मेरा ये सोचना है कि अगर तुमने ये प्रोग्राम अपने मन से किया है तो तुमको उसका जवाब पता होगा। नहीं सर वो तो पता था, इसलिए नहीं जैसे मैंने करा था ब्रेक स्टेटमेंट से, आप ऐसा कर रहे थे मैं इसलिए सोच रहा था शायद ट्राई करके देखते हैं शायद कुछ और नई चीज मिल जाए सीखने उस चीज से। तुमने ब्रेक यहाँ अंदर प्रिंट क्यों नहीं लिखा ये प्राइम और नॉट प्राइम? सर ऊपर मैंने करा नहीं था, नीचे करने का सही लग रहा था वैसे, वरना जैसे कर देते तो फिर जैसे आई बराबर एक्स करा है मैंने, ठीक है, तो आई जैसे जो जैसे अपन ने 131 लिया था तो खुद से डिवाइड हो गया जैसे वो, तो इसलिए प्राइम है, और नहीं हुआ जैसे डिवाइड तो वो नॉट प्राइम आ जाता है सीधे सीधा। प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है? सर मतलब प्राइम की वजह से तो रहता कि जैसे आ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इट्स ओन एंड वन, बस नॉर्मल वैसे कहा जाए बेसिक। हां अ नंबर Which is divisible by its own or one? Which is divisible by
इट्स वन एंड इट्स साउंड बाय वन एंड इट्स ओन. ये किसने बताई तुम्हें ये डेफिनेशन? सर मैंने खुद ही बनाई है वैसे तो अभी. अच्छा अच्छा, तो इस डेफिनेशन से बाकी लोग सहमत हैं क्लास के? कुणाल, अब मुझे तो ये नंबर प्राइम होगा जो ये चीज फॉलो कर रहा है वो प्राइम होगा. यस सर. अब ऐसा कौन सा नंबर है जो ये चीज फॉलो नहीं करता? ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से डिवाइड नहीं होता और एक से डिवाइड नहीं होता? ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया का? सर कोई सा नहीं भाई. मैंने तुमसे पूछा कि प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन, तुम कह रहे हो कि ऐसा नंबर जो वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो. अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स ओन इज अ प्राइम नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर. यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन. यस सर. है ना, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इट्स ओन, खुद और एक के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो. ये लिखी थी अभी, देखो देखो लिखी थी मैंने डेफिनेशन यही. एक और नंबर के अलावा किसी और से भाग ना जाए. समझ में आ रही बेटा बात? तो अपन आधी चीजें नहीं सीखना है, जो चीज अपन को आती है वो नहीं सीखना है हमको, है ना. अब बात देखो फिर वही आ रही है कि हमने अगर प्रोग्राम किया है खुद से तो हमने इस चीज को, तुमने बिल्कुल सही लिखा है प्रोग्राम ये, कि तुमने पहले दो से लेके एन माइनस वन तक चेक किया कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब तुमने बोला कि प्राइम है कि नहीं है. बीच में नहीं बोला यहीं पे प्रिंट कर करके बीच में प्राइम है नहीं है. तो अगर तुमने ये प्रोग्राम खुद से बनाया है तो तुम्हारे मन में ये सवाल भी आया होगा बीच में प्रिंट करने का. तभी तो ये आता है कि यार ये बीच में प्रिंट करने से गड़बड़ हो रही है, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि पूरा चलाएंगे तब प्रिंट करेंगे. कहां से लिखा बेटा ये प्रोग्राम? सर करा खुदी है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक लिया था. कहां से लिया था लॉजिक? गीक्स फॉर गीक्स साइड. क्या प्रॉब्लम है कि ये अपन एबीसीडी पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग की, है ना. अगर तुम अभी से ही वो करोगे, क्या बोलते हैं, अभी से ही अगर वो करोगे ना लॉजिक यहाँ वहां से देखोगे तो उसमें तुम्हारा नुकसान है. अभी क्या करना चाहिए कि मन कॉपी पे करना चाहिए ट्राई, मन से करने का प्रयास करना चाहिए. जब नहीं बने तो मेरा हिंट वाला लेक्चर देखो जो मैं बनाता हूँ, हिंट वाला वीडियो. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. बट और फिर सोचो, एक प्रोग्राम को करने में लगने दो एक घंटे, सोचो उस बारे में, ट्राई करो आधा घंटे लगने दो. तब भी नहीं बने तो फिर मैं बताऊंगा क्लास में. लॉजिक देखने से क्या होता है कि फिर अपना दिमाग नहीं चलता उस चीज पे. हाँ सर वो तो पता है, इसलिए पहला वाला मैंने करा ही नहीं था, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था, इसलिए मैं छोड़ ही दिया था वो वाला. चलो ठीक है, है ना. किस किस ने किया ये प्रोग्राम? और जयेश ने किया है, देवांश ने किया है, देवांश ने किया है क्या? किस नाम से देवांश? यशवंत. हाँ सभी ने यही वही तरीका है. वही तरीका है सर. जीरो Not a prime number. रोनी ब्रैकेट कम है,
ये फॉर लूप का ब्रैकेट चालू हुआ, ये इफ का चालू हुआ, ये इफ का खत्म हुआ, अब फॉर का खत्म ही नहीं हुआ है, फिर इफ का चालू हुआ, फिर इफ का बंद, ये वॉइड में बंद हो गया, ये फॉर वाला ब्रैकेट बंद नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रेक लिखना था, एक दो चीजें गलती है इस प्रोग्राम में, यहाँ ब्रेक लिखना था, यहाँ ब्रैकेट बंद करना था। चलो माइनस हाँ, तो यहाँ पर भी माइनस वन करना था। क्या था? कुछ नहीं था। देखो अगर किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम कर सकते हैं ब्रेक, इसको ब्रेक अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट करंट लूप से बाहर कर देता है। अब आपको सवाल आ रहा होगा, जब सर जब पढ़ाया नहीं था तो हमें क्यों दे दिया ये करने के लिए? ये चीज बिना ब्रेक के भी हो सकती है। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर करंट कंट्रोल करंट लूप से बाहर आ जाता है। क्या मतलब है इस बात का? जब भी ब्रेक चलेगा तो जो भी लूप चल रहा होगा उससे बाहर आ जाएगा कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? जैसे अभी ये लूप चल रहा है, जैसे ये लूप चल रहा है i इज इक्वल टू 2 से लेके n माइनस 1, अगर ये ब्रेक चला तो यहीं से ये लूप टूट जाएगा और इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा कंट्रोल यहां पे, ठीक है। अब अगर ये लूप पूरा चला है तो मतलब ब्रेक नहीं चला, अगर ब्रेक नहीं चला तो मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ, और अगर किसी से डिवाइड नहीं हुआ मतलब ये प्राइम नंबर है। तो पूरा लूप कब चलेगा? आई की वैल्यू एन माइनस वन के लिए तो ये चलेगा, आई की वैल्यू जैसे ही एन हो जाएगी ये लूप टूट जाएगा, आई इक्वल टू एन के लिए ये लूप टूट जाएगा। तो इफ आई इक्वल इक्वल टू एन, अगर ऐसा है तो हम लिख देंगे प्रिंट एफ प्राइम नंबर, हम क्या लिख रहे हैं प्रिंट एफ प्राइम नंबर। अब जो बाकी बच्चों ने कुणाल ने जयेश ने किया है, क्या किया है? इसको यहीं पे ब्रेक कर दिया और इसके एल्स में लिख दिया, इसके एल्स में लिख दिया, इसके एल्स में लिख दिया प्राइम नंबर। ये भी सही है, नॉट अ प्राइम नंबर, तो दोनों तरीके सही है। देखो बीच में अगर किसी से भी डिवाइड हो जाता है, जैसे हम 131 को चेक कर रहे थे तो हम इधर से लेके 1, 2, 3 से लेके 5 से लेके ऐसा कहां तक जाएंगे? 130 तक जाएंगे, क्योंकि 131 को चेक करना है। तो 2 से लेके n माइनस 1 मतलब 131 माइनस 1 यहां तक जाएंगे। अब अगर मान के चलो हम चेक कर रहे हैं 1000 को कि प्राइम है कि नहीं है, तो 1000 के लिए हम कहां से जाएंगे? 2 से लेकर कहां तक जाएंगे? 999 तक जाएंगे। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे कि 1000 2, तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो ये तो हमारा यहीं पे सिद्ध हो जाएगा कि ये नॉट अ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। हमें यहीं पे पता चल गया है तो हम आगे 3 से चेक क्यों करें? अब 3 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको यहीं पता चल गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 से भाग चला गया। तो वही लॉजिक यहां लगाया है कि जैसे ही भाग जाएगा किसी भी नंबर से बीच में तो हम वहीं रोक देंगे प्रोग्राम को और फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम करते गए और भाग नहीं गया, कहां तक करते गए? एन माइनस वन तक, तो हम क्या बोल देंगे? ये प्राइम नंबर है। मतलब अगर पूरा ये लूप टूट, अगर लूप यहां से टूटा है मतलब ये कभी भी ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये कभी भी ट्रू नहीं हुआ, मतलब नंबर क्या है? प्राइम है। तो यहां से टूटा है कैसे पता चलेगा? आई की वैल्यू एन हो जाएगी तो यहां से टूट जाएगा,
और बीच में ही टूट जाएगा तो आई की वैल्यू एन तो नहीं होगी, एन से कम ही होगी, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। हमने दिया 1000, नॉट अ प्राइम नंबर। हमने दिया 131, प्राइम नंबर। 5, प्राइम नंबर। इस तरह से चल रहा है। तो ये हो गया पहला तरीका इस प्रोग्राम को करने का। अब बिना ब्रेक के हम करते हैं, क्योंकि ब्रेक अभी तक आपको पढ़ाया नहीं था, तो आपसे अपेक्षा करना कि आप ब्रेक से करोगे ये गलत है। बिना ब्रेक के ये प्रोग्राम कैसे होता? सर, जैसे मेरा कंपाइलर सही से काम नहीं कर रहा, तो मैंने मतलब वीएस कोड डाल दिया अपने में वर्चुअल स्टूडियो, तो सर उसमें मतलब जैसे ये तो आईडी है, जैसे आईडी, लेकिन सी कंपाइलर उसमें एक्सटेंशन में कैसे ऐड करते हैं ये थोड़ा बता दीजिए। क्या बताऊं मैं? अब जैसे सर वर्चुअल स्टूडियो है जो आईडी है वो तो हाँ, अब उसमें सी कंपाइलर के प्रोग्राम कैसे रन करे हैं ये थोड़ा बता दीजिए। अच्छा अच्छा, लेटेस्ट सी में चल रहा है बेटा? इसमें डेव सी चल रहा है आपके में? डेव सी में सर वही प्रॉब्लम आ रही, वही दोनों में आ रही कि मतलब जैसे आपके में टूल वूल क्या रहा है सब ऊपर का हाँ पे, वो सब उसमें नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये व्यू में जाके, ये व्यू में जाके जैसे ये है आपका, कुछ हट गया होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। ये देखो मेन है, एडिट है, सर्च है ना, तो ये सर्च का है, ये मेन है, इसको मेन को मैंने हटा दिया, ये मेन का ये हट गया, ये एडिट हटा दिया ये हट गया, सर्च हटा दिया ये हट गया, ऐसा हो गया क्या? नहीं सर, जैसे जो आपका टीडीएम जीसीसी लिखा है जो वहां पे इस साइड कहां पे जी हाँ, ये हाँ, लिखा जो यहाँ जे नहीं आ रहा कुछ भी, तो उसको बंद करके फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो डेविसी को। ठीक है, करके देखता हूँ। मैं सब ट्राई कर लिया, मतलब कोड ब्लॉक करके देख लिया, वो भी कर लिया, कोई आई नहीं रहा, बस उसी में थोड़ा बहुत हुआ भी सही से थोड़ा काम। कोड वोड ब्लॉक ये सब फालतू की चीजें हैं, जो कि आप चला रहे हो 64 बिट का कंपाइलर और वो 16 बिट की टर्बो सी में दिखाने के लिए कि ब्लू स्क्रीन बस दिखे, उसके लिए वो मतलब वो है, वो मतलब सिमुलेटर है एक तरह के, कि आपको आगे दिखाते हैं कि आप चला रहे हो 16 बिट में, जबकि आप थैंक यू ऑनलाइन चला सकते हो, ऑनलाइन कितने सारे कंपाइलर हैं, है ना। चलो, तो ये प्रोग्राम समझ में आया सभी को इतना? ये वाला किसको नहीं आया? ये वाला प्रोग्राम समझ में, प्राइम नंबर का जो भी मैंने लिखा है, इसमें एक ब्रेक चीज मैंने नई इंट्रोड्यूस करी है, तो ब्रेक से मैंने बताया जैसे ही ब्रेक चलता है तो लूप को तोड़ देता है वो, आई की वैल्यू वही रहेगी जितनी है, आई की वैल्यू अगर 5 है और ब्रेक चल गया तो बाहर आ जाएगा, आई की वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, समझ आया ये? अब दूसरा तरीका बताऊं इसका, दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ये किसी तरह का, जो कुणाल बोल रहा था कि फ्लैग से कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, फिर पता नहीं फ्लैग से किया नहीं कुणाल ने, फ्लैग से बन नहीं रहा था पहला वाला, उससे मैं छोड़ दिया था वो वाला। नहीं, फ्लैग से इसको कर सकते हैं अपन प्राइम को, जैसे ये अंदर है, अंदर की ये वाली जो चीज है ये है आपकी रेड,
दिख रहा है सभी को? अभी देखो, एक ये कमरा है, इधर से ये अंदर जाने का एक रास्ता है, ये एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा, ये है एक दरवाजा, ये है और एक दरवाजा, ये है। चार दरवाजे हैं, ठीक है, चार गेट हैं इसमें। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये दो हो गया, ये हो गया तीन, और ये हो गया नंबर गेट नंबर चार। देखो पढ़ाई की बात नहीं है, साधारण सी बात है। अब एक नंबर से लोग जाते हैं और इनसे दो या चार में से निकलते हैं। इस कमरे में जाने के कितना रास्ता है? एक ही रास्ता है, एक नंबर। निकलने के कितने रास्ते हैं? दो रास्ते, दो नंबर और चार नंबर, ठीक है। अब आपको ये चीज देखना है यहाँ पे कि ऐसा तो कोई नहीं है कि जो बीच में से इस रेड कलर के गेट में से निकला है। आपको ये चीज देखना है कि ऐसा कोई तो नहीं है जो इस रेड कलर के गेट में से निकला है, क्योंकि आपकी प्राइम की जो डेफिनेशन है, प्राइम की ये जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, आपको चेक करना है एक और नंबर के अलावा किसी और से भाग ना जाए। तो ये वो वाला केस है जब भाग चला जाता है, रेड वाला। तो आपने क्या कर दिया, इस रेड, ये वाला जो कमरा है लाल कलर का, इसमें आपने लाल रंग का कुछ लेके और पूरे कमरे में लाल रंग लगा दिया नीचे जमीन में। जब भी कोई यहां से निकलेगा तो बाहर उसके यहाँ पे लाल लाल कदम बन जाएंगे। तो आप समझ जाओगे यार कोई ना कोई तो निकला है इस कमरे से। ऐसा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप कि जैसे कि कहीं पे हमने कुछ, जैसे आप लोग देखते हो अपने लैब के बाहर हम लोग एक सील लगा देते हैं ताले के ऊपर, कागज पे सिग्नेचर करके ताले के ऊपर चिपका देते हैं। अगर कोई वो ताला